Hey guys, namaste and welcome back to Doodle की रसोई। और आज मैं मेरी रसोई में बनाने जा रही हूँ बैंगन और टमाटर का भरता। तो चलिए देखते हैं कि इस भरते को बनाने के लिए मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं। यहाँ ना मैंने ये दो बैंगन लिए थे, भरते वाला बैंगन था जिसे कि मैंने धोकर बीच में चीरा लगाकर आग पे पका लिया हुआ था। मैंने तेल लगा के पकाया हुआ है उसमें। और साथ ही साथ तीन टमाटर लिए थे, उसे भी मैंने तेल लगाकर पका लिया हुआ था। और टमाटर और बैंगन के मैंने छिलके उतार कर ऐसे मैश करके रखा हुआ है। साथ ही साथ मैंने लिया हुआ है दो छोटे आकार का प्याज जिसे मैंने बारीक कट किया हुआ है, दो हरी मिर्च उसे भी मैंने बारीक कट किया हुआ है, एक छोटा चम्मच जीरा, एक चुटकी हींग लूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये मिर्च जो है वो तीखी वाली नहीं है, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अमचूर पाउडर ये मैं लूंगी आधा छोटा चम्मच, एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ मैंने कढ़ाई में एक टेबलस्पून तेल डालकर गरम कर लिया हुआ है, तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें ये जीरा और हींग डाल लेती हूँ। ये जीरा चटकने लगा है, अब मैं इस स्टेज पे इसमें ये प्याज और हरी मिर्च डाल लेती हूँ और इसे 4 से 5 मिनट के लिए मध्यम आंच पे भून लूंगी। साथ ही साथ मैं इसमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर देती हूँ। प्याज, मिर्ची, अदरक और लहसुन को भूनते हुए करीब 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, नमक अपने स्वाद के अनुसार, इन सब चीजों को भी डालकर 2 से 3 मिनट के लिए भून लेती हूँ। ये देखिए सभी मसाले अच्छी तरह भुन चुके हैं, मसालों ने तेल छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ये मैश किए हुए बैंगन और टमाटर ऐड करूंगी और इसे अच्छी तरह से चला लूंगी। एक्चुअली मेरे पास धनिया पत्ते नहीं है, इसीलिए मैं इसमें नहीं यूज कर रही हूं। आपके पास हो तो आप इसे गार्निश करने के लिए यूज कीजिए या इसमें जरूर डालिए, उससे उसका टेस्ट जो होता है एनहांस होता है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करके मैं इस भरते को ढककर पकाऊंगी। हमें इसमें पानी नहीं डालना है। इसी तरह मैं इसे 7 से 8 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देती हूँ। लगभग 10 मिनट होने को आए हैं, चलिए देख लेते हैं भरता तैयार हुआ है या नहीं। हाँ, ये भरता अच्छी तरह पक चुका है, अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ।
इस भरते को ना मैं सत्तू की कचौड़ी के साथ सर्व कर रही हूं। आप चाहे तो इसे रोटी या पराठा किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये बैंगन के भरते की सिंपल सी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी और आप इसे एक बार अपनी रसोई में बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरी नेक्स्ट रेसिपी की वीडियो आने तक के लिए बाय बाय एंड